To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन विद लग्रेंज मेथड। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये बात देख चुके हैं कि दो तरह की ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक कंस्ट्रेंड और दूसरा अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर जो लग्रेंज मेथड है ये कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें कि कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है। कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा था कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं और हमारे पास एक बजट कंस्ट्रेंट है, और कंज्यूमर अपनी इस बजट कंस्ट्रेंट की लिमिट में रहते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। ये जो कंस्ट्रेंट के साथ यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन है ना, ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। ये हम देख चुके हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में जो लग्रेंज मेथड है ये हमें क्या, इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के देगा कि आप कितना एक्स और कितना वाई कंज्यूम करें तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालें कैसे, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होनी चाहिए, देखें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक बजट कंस्ट्रेंट नज़र आ रहा है और दूसरा आपको नज़र आ रहा है क्या, इनडिफरेंस कर्व। बस आपके पास इनडिफरेंस कर्व है, वो यूटिलिटी को शो करता है। तो आपने कहा यू इज इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन है दोनों कमोडिटीज़ का, कोई सी भी हो सकता है। जो हमने डेरिवेटिव और मार्जिनल यूटिलिटीज़ का जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन देखे थे, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया, इट रिप्रेजेंट्स इनडिफरेंस का। दूसरी तरफ आपने लिख दी बजट कंस्ट्रेंट, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई एम। अब यहाँ पर लग्रेंज के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने ज़रूरी हैं। जो फंक्शंस गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है, यहाँ पर आपको यूटिलिटी ऑप्टिमाइज करनी है, ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज करनी है। अगर कॉस्ट होती तो मिनिमाइज करते, तो जिस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर यूटिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जिस लिमिट में रहते हुए आपने ये ऑप्टिमाइज करना है, जैसे यहाँ पर लिमिट क्या गिवन थी, बजट कंस्ट्रेंट, तो जो लिमिट गिवन होती है वो कहलाता है सब्जेक्टिव फंक्शन। वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो दो फंक्शन होगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं लग्रेंज मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई थ्रू विच कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लें कि हमारा ऑब्जेक्टिव लग्रेंज को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लग्रेंज का प्रोसीजर हमने सीखना है कि कैसे लग्रेंज ये ऑप्टिमम वैल्यूज फाइंड कर लेता है, लेकिन लग्रेंज के स्टेप्स ऐसे क्यों किए जाते हैं वो एक मैथमेटिकल डिबेट होगी। अगर उसमें आपके ज़हन में कोई सवाल आए कि हाँ भाई, ये लग्रेंज ये स्टेप क्यों लिया, ये स्टेप क्यों लिया, तो वो एक मैथमेटिकल डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, हमने यहाँ पर वो डिबेट हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है। अभी हमारे पास यूजफुल क्या है कि लग्रेंज के क्या स्टेप हैं, किनको फॉलो करके हम ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि हाउ लग्रेंज अटेन दिस ऑप्टिमम वैल्यू, कैसे लग्रेंज का प्रोसीजर ऐसे एक्स और वाई निकाल के देगा जिससे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्रेंज हमारे पास बराबर होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन। अब लैम्डा एक ऑपरेटर है जो बेसिकली यूटिलिटी को शो कर रहा होता है, लास्ट पैनी की यूटिलिटी ऑफ लास्ट पैनी, वो ये शो कर रहा था। तो अभी हमारा फोकस नहीं है इस पर, नहीं तो हम इसकी भी डिटेल में जा सकते हैं, अभी फोकस नहीं है। बस ये एक पैरामीटर है जो लास्ट पैनी से हासिल होने वाली यूटिलिटी को शो कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लेमडा सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये यूटिलिटी आपके पास गिवन है, या कोई भी यूटिलिटी फंक्शन होता वो आप यहाँ पे लिख देते, जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई प्लस लेमडा।
अब सब्जेक्टिव फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि आप कांस्टेंट वैल्यू को अपनी जगह पर रखेंगे, बाकी सबको उठाकर इधर ले आएंगे, तो बचेगा m pxx उधर आके माइनस में हो जाएगा, pyy उधर आके माइनस में हो जाएगा। ये आपके पास आ गया सब्जेक्टिव फंक्शन। आप चाहें तो उसको ओपन करके लिख लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा एफ एक्स वाई, ये कोई भी फंक्शन होगा, ये आ गया एम लैम्डा प्लस माइनस माइनस पी एक्स लैम्डा एक्स प्लस माइनस माइनस पी वाई लैम्डा वाई। ये आपके पास लग्रेंज का फंक्शन आ गया। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा कि हमने लग्रेंज का फंक्शन लिखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा सब्जेक्टिव फंक्शन, और इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप देखें, लग्रेंज बेसिकली डिपेंड किन चीज़ों पे कर रहा है, लग्रेंज तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, वाई पर और लैम्डा पर। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन याद करें डेरिवेटिव की, आपने करना क्या है कि आपने लग्रेंज को एक्स के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेट करना है, आपने लग्रेंज को वाई के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेट करना है, और लग्रेंज को लैम्डा के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेट करना है। तो क्योंकि लग्रेंज डिपेंड मल्टीपल चीज़ों पर कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ से इसका जो चेंज चाहिए वो फॉर एग्जाम्पल एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डावा, डावा लग्रेंज ओवर डावा एक्स। डावा इसलिए कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, लग्रेंज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, हम सबको कांस्टेंट एज्यूम करके इस वक्त सिर्फ एक्स को ले रहे हैं, इस वजह से ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, और हमने यहाँ पर डावा इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा आप उसको डेरिवेट कर देंगे, हम यहाँ पर यूँ लिख लेते हैं डावा फंक्शन ओवर डावा एक्स जो भी आएगा। अच्छा, ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि अदर थिंग रिमेंस, अदर थिंग कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट टर्म सेपरेट लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म सेपरेट लिखी हुई है क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स मौजूद है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे पी एक्स लैम्डा एक्स का, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये नहीं हो जाएगा माइनस पी एक्स लैम्डा। जिस तरह आप 2x का डेरिवेटिव 2 निकालते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही px lambda x का डेरिवेटिव px lambda बचेगा, तो ये px lambda आ गया। अब हमने देखा था ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में कि जब भी हमें कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करनी होती है तो उस वक्त हम डेरिवेट करके उसको किसके बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर जीरो के बराबर रखना, ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एफ ओ सी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो हमने लग्रेंज को एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया और फिर अल्टीमेट इसको किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसी लग्रेंज के फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, डावा लग्रेंज ओवर डावा वाई, ये आपके पास आ जाएगा डावा एफ ओवर डावा वाई माइनस, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ वाई इसमें मौजूद है, तो ये बचेगा पी वाई लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इसी तरीके से उसको लैम्डा के रिस्पेक्ट से करेंगे, डावा लग्रेंज ओवर डावा लैम्डा, ये बराबर आ जाएगा। अब देखें इसमें तो लैम्डा नहीं है, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये एज इट इज़ ये वाली चीज़ बच जाएगी m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको और नाम दें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। तो दूसरा स्टेप हमने पूरा किया, पहला स्टेप लग्रेंज के फंक्शन में फंक्शंस को प्लेस किया, दूसरा स्टेप लग्रेंज को एक्स वाई लैम्डा तीनों के रिस्पेक्ट से हमने क्या डेरिवेट कर दिया। अब देखें ये इजी, ये माइनस में ना, अगर इस माइनस को उधर ले जाऊं तो ये प्लस में आ जाएगा, तो जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी डावा एफ ओवर डावा एक्स, ये लिखा हुआ इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी एक्स लैम्डा, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा पी एक्स लैम्डा। इसी तरह अब यहाँ पर ये डावा एफ ओवर डावा वाई, ये बचेगा पी वाई लैम्डा। इसको नाम दें इक्वेशन 4, इसको नाम दें इक्वेशन 5। अब हमने अपने लेक्चर में जिसमें हमने डेरिवेटिव और मार्जिनल यूटिलिटीज़ को डिस्कस किया था, तो वहाँ हमने आसानी से एक बात को कंक्लूड किया था, वो ये था कि जब भी किसी यूटिलिटी फंक्शन को डेरिवेटिव लिया जाए तो हमें क्या मिल जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं तो जिस कमोडिटी के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। तो ये तो था यूटिलिटी फंक्शन, सबसे पहले आपने उसको डेरिवेट किया किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब ये जो डी है डावा एफ ओवर डावा एक्स है, ये यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को। तो ये आ गया पी एक्स
लेमडा। इस तरीके से अब ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को, ये बचेगा पी वाई लेमडा। अब हमने करना क्या है, डिवाइड इक्वेशन 4/5, ये एबीसी एक ही बात लिखी हुई, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 4/5। तो लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट राइट से डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के, और ये बराबर आ गया पी एक्स ओवर पी वाई के, लेमडा लेमडा से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो आप देखें आपके पास ये एक चीज़ निकल आई। अब हमने लग्रेंज के मेथड को फॉलो किया और अल्टीमेट हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक चीज़ देखी होगी कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है तो वो बराबर उस वक्त MRS बराबर होता है किसके, PX ओवर PY के। यहाँ पर जब हमने लग्रेंज से सॉल्व किया तो आपके पास आया PX ओवर PY इसके बराबर, और हम अपने उस लेक्चर में जिसमें हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को रिलेट किया था मार्जिनल यूटिलिटी से, तो वहाँ रिकॉल करें MUX ओवर MUY बराबर था किसके, MUX ओवर MUY ये बराबर था किसका, MRS के। इसका मतलब है जब ये इसके बराबर है और ये एम, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं MRS। तो देखें अल्टीमेट रिजल्ट क्या बन रहा है, MRS इज इक्वल टू PX ओवर PY, ऑब्वियसली ये माइनस में ही आएगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लग्रेंज के मेथड से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेट हम यहाँ पहुँच गए, और ये क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। तो थ्रू दिस डेरिवेशन हमने इस बात को प्रूव किया कि लग्रेंज का मेथड जब कंक्लूड होता है तो उस पॉइंट पर कंक्लूड होता है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। तो आई होप लग्रेंज का ये प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।